नमस्कार, आप सबका स्वागत है गुड न्यूज टुडे में। मैं हूं पारस दामा। गुड रिपोर्टर की खास पेशकश में आज आपको लेके चलेंगे समुद्र में 50 किलोमीटर अंदर, जहां पर भारतीय नेवी के बहादुर योद्धा भारत माता की रक्षा के लिए हर वो स्थिति से निपटने की कोशिश करते हैं जो भारत माता को हानि पहुंचाने की कोशिश करती है। इस पूरी पेशकश में हम आपको अलग अलग ड्रिल्स दिखाएंगे, अलग अलग सिचुएशन से रूबरू कराएंगे जो कि समुद्र के अंदर उत्पन्न होती है। वॉर जैसी सिचुएशन में किस तरीके से भारतीय नेवी के बहादुर जवान अपनी जान को जोखिम में रखकर लोगों की और भारत माता की रक्षा कैसे करते हैं, उसका भी आपको पूरा आंकलन बताएंगे। भारतीय नौसेना का पराक्रम दुनिया ने देखा है। भारतीय नौसेना के जाबाज सिकंदर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलने का हौसला रखते हैं। आज इन्हीं जवानों के हौसले, इनके दमखम, इनके हथियार और कैसे ये एक टीम के रूप में काम करते हैं, कैसे चुनौतियों का सामना करते हैं, इसी का जायजा लेने निकले हमारे संवाददाता पारस तामा, जिसकी शुरुआत हुई समंदर के सिकंदरों के साहस और शौर्य की दास्तान। भारतीय नेवी के लिए समुद्र में हजारों चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों में से सबसे बड़ी चुनौती होती है इलीगल चीजें जो कि समुद्र के अंदर होती हैं, जिसको रोकने के लिए VBSS टीम जो है वो गठित की जाती है। ये टीम अलग अलग समुद्री बोटों पर जांच करती है, सीजर्स करती है, अगर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे नुकसान पहुंच सकता है उस समय ये लोग पूरी तरीके से चौक चौबंद रहते हैं। पूरे नाव पर सर्च किया जाता है। ये देखिए किस तरीके से पूरे चौक चौबंद तरीके से पूरी बोट को सिक्योर किया गया है। ऐसी ही प्रैक्टिस, ऐसे ही जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए VBSS टीम का गठन किया जाता है। लगातार अगर कोई ऐसा जहाज है जहां पर लग रहा है कि कोई ऐसी गतिविधि हो सकती है जिससे नुकसान पहुंच सकता है, उस टीम को ये जांच करेगी। ये टीम उस जहाज पर पहुंचेगी और इसी तरीके से उन लोगों को पकड़ के रखा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और जहाज को पूरी तरीके से सिक्योर किया जाएगा। इंडियन नेवी को समंदर के बाहर और समंदर के भीतर तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समंदर पर कैसे नौसेना चुनौतियों से निपटती है और कैसे दुश्मन को अपने पराक्रम से परास्त करती है, खुद ही देखिए। भारतीय नौसेना के लिए समुद्र के अंदर हजारों चुनौतियां होती हैं। उस चुनौतियों में से सबसे बड़ी चुनौती होती है उन नावों को इंटरसेप्ट करना जो कि उनके लिए खतरा बन सकती है। फास्ट इंटरसेप्टिंग बोट्स जो कि मछुआरों की नाव की तरह होती है वो सबसे बड़ा थ्रेट होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तेज बोट्स होती है और इसको किस तरीके से इन बोटों को न्यूट्रलाइज करना है उसका प्रोटोकॉल भी भारतीय नेवी के पास है। भारतीय नेवी को अगर ये लगता है कि कोई छोटी बोट बहुत ज्यादा तेज तरीके से उनकी नाव की तरफ बढ़ रही है, तब वो वार्निंग शॉट्स करते हैं। सबसे पहला वार्निंग शॉट होता है लाल कलर का, उसके बाद येलो कलर का, और उसके बाद एक शॉट हवा में फायर किया जाता है और उससे वार्निंग दी जाती है कि अगर आप नहीं रुके तो आपको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ऐसी वार्निंग्स के बाद भी अगर सामने वाली नाव नहीं रुकती है तो भारतीय नौसेना सतर्क हो जाती है और तुरंत ही ओपन फायर करके उस नाव को निस्तनाबूत कर देती है। नौसेना के जवान जिन बोट्स पर सवार होते हैं वहां सबसे ज्यादा डर होता है नाव में आग लगने का। ऐसी परिस्थितियां तब और विकट हो जाती हैं जब दुश्मन से भी लड़ना होता है और आग लगने की समस्या से भी। ऐसे में कैसे निपटते हैं हमारे नेवी के जवान? समुद्र में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती होती है कि अगर समुद्र के अंदर जहाज है नेवी का, उसमें आग लग जाती है तो उस आग को किस तरीके से बुझाया जाए। भारतीय नेवी हर डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से सक्षम है, वहीं अगर आग लगती है तो फायर फाइटिंग के लिए भी भारतीय नेवी के जवान पूरी तरीके से सक्षम है। भारतीय नेवी ने फायर ब्रिगेड की एक पूरी टीम बना रखी है जो ऐसे आपातकालीन सिचुएशंस में काम करती है। इन सारे फायर फाइटर्स के पास आधुनिक उपकरण है जो कि ऐसी स्थिति में
काम आ सकते हैं और आग को बुझाया जा सकता है। ये जो सूट है वो सारे आधुनिक सूट इन्होंने पहने हुए हैं। वहीं ऑक्सीजन मास्क के साथ साथ ऑक्सीजन की बोतल हरदम इनके पास रहती है, जिससे इनको आग बुझाने में कोई तकलीफ ना हो। वहीं जो आप कैमरा देख रहे हैं, ये आधुनिक कैमरा है, जिससे ये पता चल सकता है कि अगर आग लगी है तो वो कहाँ लगी है, आग लगी है तो उसको कहाँ से बुझाना है, इसकी भी जानकारी इस कैमरे से मिल सकती है। क्योंकि ये इस जगह काम करता है जहाँ पर रोशनी बिल्कुल भी नहीं होती है। भारतीय नेवी हर जगह हर डिपार्टमेंट में सक्षम है। अगर आग जैसी आपातकालीन स्थिति शिप के ऊपर पैदा होती है तो उससे भी भारतीय नेवी पूरी तरीके से लड़ने में सक्षम है। हमारे भारतीय नौसेना के शिप्स में हमारे पास एक बहुत ही वेल प्रूवन और डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे हम फायर फाइटिंग और डैमेज कंट्रोल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हर जहाज में छोटी से लेके बड़े फायर दोनों होने के पॉसिबिलिटी रहते हैं। तो किस तरह की फायर है, छोटी या बहुत ही बड़ी डैमेज वाली फायर है, डिपेंडिंग ऑन दैट हमारी ऑर्गेनाइजेशन कम्स इन टू फोर्स। जैसे कि अगर छोटी सी फायर है, हमारे पास पहले जो पार्टी जाती है जिसको हम अटैक पार्टी बोलते हैं, जो जाके बेहद ही बेसिकली एक फंडामेंटल फायर फाइटिंग करते हैं। जैसे कि छोटा मोटा कोई शॉर्ट सर्किट हो गया जिसके कारण थोड़ा बहुत आग स्प्रेड हो रहा है, तो जिसको हम हमारे बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज करके हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अगर उससे भी और आगे एग्रीवेट हो रहा है फायर और आगे बढ़ रहा है, देन हमारी नेक्स्ट पार्टी जाती है अटैक भी है, जो थोड़े हद तक फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अगर उनसे भी कंट्रोल नहीं पाया, जो पहली वाले अटैक पार्टी एंड अटैक भी है, देन कम्स इनटू फोर्स ये हमारी पार्टी विच इज कॉल्ड एज सपोर्ट अल्फा एंड सपोर्ट ब्रावो, विच इज द मेन पार्टी विच डज द मेजर फायर फाइटिंग। भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना के जवान सिर्फ जंग जैसी स्थितियों में ही भारत की रक्षा नहीं करते हैं, आपातकालीन स्थितियों में भी भारत की रक्षा के लिए और उनके लोगों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरीके से तैयार रहती है। अगर देश में बाढ़ जैसे या प्राकृतिक आपदा जैसे हालात बनते हैं तो भारतीय नौसेना का सीकिंग हेलीकॉप्टर हर उस जगह पे हाजिर होता है जहां पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। समुद्र के अंदर कई बार ऐसा होता है कि छोटे जहाज में लोग फंस जाते हैं या डूब रहे होते हैं, उस समय भारतीय नौसेना के जवान और सीकिंग हेलीकॉप्टर उस जगह को आइडेंटिफाई करते हैं, वहां पहुंचते हैं और हार्नेस से एक फौजी नीचे पहुंचता है, नेवी ऑफिसर नीचे पहुंचता है और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। समुद्री सीमाओं के अंदर भारतीय नौसेना के लिए चुनौतियां सिर्फ उन थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना नहीं होता जो कि दिखती हैं। जो स्थितियों में भारतीय नौसेना काम करती है, उन स्थितियों में उनको ऐसे अनवांटेड थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है जो कि दिखते नहीं हैं। उनमें से सबसे बड़ा थ्रेट होता है सबमरीन का थ्रेट, पनडुब्बियों का थ्रेट। जब आप किसी नाव से चल रहे हैं, वॉरशिप से चल रहे हैं, उस समय सबसे बड़ा खतरा उस जहाज के लिए होता है सबमरीन, पनडुब्बियां। उन पनडुब्बियों को जानने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसको सोनार सिस्टम कहा जाता है। भारतीय नेवी के हेलीकॉप्टर की मदद से उन सारे डिवाइसेस को पानी के आसपास घुमाया जाता है और उससे ये पता लगाया जाता है के दुश्मन की पनडुब्बियां कहाँ है। ये बहुत कारगर सिस्टम तो नहीं है, मगर इससे एक छोटी सी मदद मिलती है नेवी को ये पता लगाने के लिए कि दुश्मन की सबमरीन उनसे कितनी दूर है और वो कितनी देर में उन तक पहुंच सकती है। भारतीय नौसेना समंदर की सीमा की रक्षा के लिए बहुत कुछ करती है। तीनों फोर्सेस में सबसे ज्यादा अहम रोल भारतीय नेवी का है, क्योंकि समंदर के रास्ते आने वाले थ्रेट्स सबसे ज्यादा होते हैं। मसलन सी पायरेसी, टेररिज्म और ड्रग तस्करी ऐसी समस्याएं हैं जिससे निपटने में नौसेना सक्षम है। आपातकालीन स्थितियों में जब कोई अनजान बोट समंदर के रास्ते आती है तो नौसेना उसकी पहचान कैसे करती है, सुनिए। अपने सोनार पानी के अंदर हेलीकॉप्टर के थ्रू डालते हैं, उससे हम अपने सराउंडिंग्स के जो भी थ्रेट है उसे हम एक्टिव एंड पैसिव मोड में हम पता करते हैं कि वो थ्रेट कहाँ पे है, और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो अपनी एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग के थ्रू डिटेक्ट करते हैं कि किस डायरेक्शन में या कितने डेप्थ में
थ्रेट है हमारे लिए। अनजान बोटों से नौसेना के जवानों का लड़ने का तरीका तो आपने देख लिया, अब बताते हैं आपको जंग जैसी स्थितियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना के पास क्या खास है जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर है। भारतीय नौसेना हर उस जंग की स्थिति के लिए तैयार रहती है जो कि उनको हानि पहुंचा सकता है। अगर कोई जहाज वॉर जैसी सिचुएशन में आता है तो भारतीय नौसेना के पास INS विपुल जैसे जहाज हैं जो कि बड़ी मिसाइलें फायर कर सकते हैं और दुश्मन को तुरंत ही ढेर कर सकते हैं। ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस की होती हैं जो कि बहुत खतरनाक होती हैं और लंबी दूरी तक फायर करके सामने वाले जहाज को पूरी तरीके से खत्म कर सकती हैं। ये भारतीय नौसेना के लिए सबसे ज्यादा बहादुर और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जहाजों में से एक है। वॉर जैसे सिचुएशन के लिए लगातार प्रशिक्षण भारतीय नौसेना और नौसेना के जितने भी योद्धा हैं वो लगातार करते रहते हैं और इन सारी तैयारियों के बीच लगातार ये ध्यान रखा जाता है कि अगर भारत माता पर कोई भी खतरा आता है तो उसको किस तरीके से खत्म करना है। जंग के दौरान सबसे बड़ी एक और चुनौती है जिससे नेवी निपटती है और वो है सप्लाई खत्म होने पर उसे जहाज पर लाना, चाहे वो सामान की सप्लाई हो या फिर जवानों की, लोगों की सप्लाई हो। नौसेना एक जहाज से दूसरे जहाज पर ये पूरी प्रक्रिया कैसे करती है देखिए। जंग के समय स्थिति भयावह हो सकती है। इस भयावह स्थिति में सबसे मुश्किल स्थिति वो होती है जब जंगी जहाज के पास अपने सप्लाई कम हो जाते हैं। वहीं समुद्र के बीच सप्लाई पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि जहाज वापस हार्बर तक तो नहीं जा सकता है जंग की स्थिति में। ऐसे में भारतीय नेवी एक एक्सरसाइज करती है। उस एक्सरसाइज के तहत जब भी भयावह सिचुएशंस होती है, वॉर टाइप सिचुएशन होती है और सप्लाई की जरूरत होती है बाकी जहाजों को, तो इस तरीके से एक पूरी क्रिया की जाती है। इस क्रिया के अंतर्गत एक जहाज से दूसरी जहाज पर सामान लाया जाता है। सामान के साथ साथ जब अगर कभी ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी, कहीं लोगों की जरूरत पड़ी, जवानों की जरूरत पड़ी, तो इसी तरीके से एक जहाज से दूसरी जहाज पे लोगों को लाया जाता है। जो सप्लाईज होती है वो सारे सप्लाईज को दूसरे जहाज पर लाया जाता है। ये बहुत मुश्किल क्रिया होती है क्योंकि दो बड़े जहाज एक साथ 30 मीटर के अंतर पर होते हैं और सारे जितने भी लोग होते हैं वो इस क्रिया को करने में बेहद ज्यादा सावधानी बरतते हैं क्योंकि समुद्र के बीच एक तरफ समुद्र अस्पष्ट होता है, बहुत ज्यादा कभी कभार लहरें चलती हैं, कभी शांत होता है समुद्र या फिर कभी बहुत ज्यादा भयावह स्थिति में समुद्र होता है। तो इस स्थिति में जब जंग की स्थिति होती है, आसपास बहुत कुछ होता है, तो इस पूरी चीज को किया जाता है। जब आपके पास, आपके जहाज के पास सारे सप्लाईज खत्म हो जाते हैं तो दूसरा जहाज आता है, उन सप्लाईज को आप तक पहुंचाने के लिए पूरा सा रोप बांधा जाता है। उस रोप से लोगों को भी लाया जाता है। अगर आपको सैनिकों की जरूरत पड़ती है तो वो भी शिप पर आ जा सकते हैं और बाकी जो भी सामान, अगर खाने पीने का हो, पेट्रोल हो या बाकी सारी चीजें हो, वो भी इस पूरी रोप के द्वारा आपके पास, आपके जहाज के पास पहुंचाया जा सकता है। वॉर जैसी भयावह स्थिति में ये सबसे ज्यादा अच्छा और कारगर तरीका है जब आपके पास सप्लाई ना हो। इस तरीके की एक्सरसाइज से, इस तरीके की क्रिया से आप तक सामान पहुंचाया जाता है। आधुनिक जंग में बायोकेमिकल वॉर और न्यूक्लियर वॉर की चुनौती सामने है। आज के दौर में ऐसी जंग कभी भी संभव है। हमारी नौसेना के पास इन जंगों से निपटने के लिए ताकत भी है और हथियार भी है जो ऐसी जंग में भी दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय नौसेना की ताकत 4 गुना बढ़ी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आत्मनिर्भर भारत के तहत बन रही भारत की पनडुब्बियां, वॉरशिप्स और बाकी के उपकरण। भारतीय नौसेना हर स्थिति के लिए पूरी तरीके से ट्रेन होती है और तैयार रहती है। वहीं मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो आधुनिक जंग में बायोकेमिकल का और न्यूक्लियर का इस्तेमाल जल्द ही किया जाएगा और स्थिति में कैसे निपटा जाए उसकी तैयारियां भी भारतीय नौसेना पूरी तरीके से करती है। भारतीय नौसेना के जितने भी साहस हैं वहां पर हर जगह पर एक ऐसी टीम का गठन किया गया है जो ऐसी स्थिति में काम करने के लिए बिल्कुल सक्षम होगी। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर बायोकेमिकल से हमला किया गया है और वो शिप वहां से गुजरती है तो एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है जो कि उस पूरे इलाके को, उस पूरी शिप के इलाके को मॉनिटर करेगी। मॉनिटर करने के बाद
एक टीम जो है वो पूरे शिप को डिकंटेमिनेट करेगी। डिकंटेमिनेट करते समय उस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि जो रेडिएशन है वो कहीं और ना जाए और वहीं से उस पूरे रेडिएशन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हर सिचुएशन में लड़ने के लिए भारतीय नौसेना बिल्कुल ही सक्षम हो गई है। डिफरेंट डिफरेंट पीपी किट्स रहते हैं, हर एक पार्टी के लिए अलग अलग रहते हैं, तो वो तो रह गया कि जब हमें पता चला है, पहली बात हमें पता कैसे चलेगा, हमारे शिप पे ना सिस्टम्स है दो तीन सी कैट्स ऐसे अलग अलग, वो क्या ना सेंसर्स है, जब भी न्यूक्लियर अटैक होगा डायरेक्ट हम पे नहीं होगा, वो यहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर होगा, हमारे रेंज से बाहर होगा, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन वो जो गैस का क्लाउड बनेगा, उसके वेपर्स बनेंगे, वो हमारे शिप को जैसे ही टच करेंगे हमें पता चल जाता है, सेंसर बच जाता है, हम सेम टाइम सब कुछ ये हैच बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे, सील्ड सिटाडेल हम अचीव कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी टीम बाहर निकालेंगे। अब जैसे ही हमारा ना सबसे पहला होता है प्री वेटिंग, आप ये नोजल्स देख रहे हो, ये रेड कलर के जितने भी है, ये सारे में से पानी स्प्रिंकल होगा और ये वॉश होता रहेगा जब तक हम अचीव नहीं कर लेते अपना वापस स्टे। हथियारों की ऐसी ही कड़ी में एक और बड़ा नाम है INS व्यास का। इसमें आधुनिक हथियारों का बेड़ा और बेहतर युद्ध क्षमता मौजूद है। ये जहाज दुश्मन को न तो अपने करीब आने देता है और न ही उसे अपने सामने टिकने देता है। आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत INS व्यास भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत है। INS व्यास ये भारत नेवी का एक ऐसा जहाज है जो दुश्मन को अपने पास भी नहीं आने देता है। समुद्री सीमाओं की रक्षा में INS व्यास पिछले कुछ सालों से लगातार तैनात है। INS व्यास की सबसे खास बात यह है कि ये रेडारों की मदद से चलता है और इसमें आधुनिक रेडार अलग अलग चीजों के लिए फिट किए गए हैं। अगर किसी प्लेन को ट्रैक करना हो तो उसके लिए अलग अलग रेडार है, वहीं मिसाइल्स फायर करने के लिए भी इसमें अलग अलग रेडार फिट किए गए हैं। आधुनिक तकनीक से बना INS व्यास समुद्री सीमा की रक्षा के लिए सबसे मजबूत जंगी जहाजों में से एक माना जाता है। तकरीबन इस जहाज को ऐसे आधुनिक चीजों से बनाया गया है जिससे वो सरफेस टू सरफेस भी लड़ सकता है, सरफेस टू एयर भी लड़ सकता है, और अगर जरूरत आन पड़ी तो सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी ये जहाज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी जितनी भी आप रेडार्स देखें यहाँ पर, वो सारे 70% भारत में बनाए गए हैं। मिसाइल्स हो या एंटी एयरक्राफ्ट गन हो, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत ही बनाई गई हैं। INS व्यास भारतीय समुद्री सीमा के लिए लगातार तैनात है और भारत को एक रक्षा कवच प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय नौसेना लगातार मजबूत हो रही है। आधुनिक साजो सामान के साथ वो लगातार ताकतवर बन रही है और नौसेना के जवान समंदर के वो सिकंदर बन गए हैं जिन्हें हराना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो गया है। गुड न्यूज टुडे की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आज की पेशकश में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से भारतीय नौसेना हर सिचुएशन को लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और तैयार है। भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत में आत्मनिर्भर भारत के तहत बन रहे भारतीय नौसेना के नए जंगी जहाज और भारतीय पनडुब्बियां। भारतीय नौसेना अब भारतीय सेनाओं में सबसे ज्यादा मजबूत सेना बनके सामने आ रही है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे।